सुप्रभात बहनों, कक्षा दसम आगे देखते हैं। चित्रलिखिसी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती खूबसूरती, अपने को निरंतर देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे लेती प्रियुता और रुड्रोडेड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरवेती चरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखाएं मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होंठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मनी नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बदी डोको, बड़ी टोकरी जिसको हम कहते हैं, मैं उनके बच्चे भी बधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वही पर खड़े वीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों पर गुजरते हुए हम हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर हु डिफाइन डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आज ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़े से बात कर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के
फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठांडे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन ने कहा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एड रिपिंग हैं, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था अब हम मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेके लंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी अपना चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है, नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर के बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर जीप जितना चौड़ा बनाया गया